सिंह चौधरी पावर माइंड के यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन आज अपना पिछले वीडियो में अपना पार्टनरशिप साझेदारी खत्म हो चुका है। अब अपन जानेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन के बारे में, ठीक है ना। मिक्सर एंड एलिगेशन एक बात ध्यान से समझें कि ये जो चैप्टर है मिक्सर और अनुपात, मिश्रण व अनुपात, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अरिथमेटिक के लिए। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप देखे जाएंगे, अपन आगे आगे देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर अपन प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन करेंगे, और भी बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत चैप्टर ये कवर करता है और काफ़ी चैप्टर्स में इसको यूज़ करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप मिक्सर एंड एलिगेशन लगाओगे क्या और किस तरीके से लगाना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसा ही लगाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कोई फर्स्ट आर्टिकल रहा होगा, आर्टिकल रहे या फिर कुछ भी रह सकता है, फर्स्ट कोई थिंग या चीज़ रहेगी, यहाँ पे कोई सेकंड चीज़ रहेगी, और इन दोनों का जो मिक्सर रहेगा वो इस तरीके से एम यहाँ दिखेगा आपको, क्लियर। हमेशा आपने क्या करना है कि सेकंड में से एम को माइनस करना है और इधर आएगा एम में से फर्स्ट को माइनस करना है, बस यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड और मिक्सर इन दोनों का रहेगा, सेकंड में से मिक्सर माइनस करेंगे, मिक्सर में से फर्स्ट माइनस करेंगे। एक तरीके से ये कहा जाता है कि ये जो मिक्सर होता है आपका वो पहली चीज से बड़ा होता है, दूसरी चीज से छोटा होता है, तभी तो मिक्सर बोला जाता है इसको। तो इसलिए सेकंड माइनस एम, एम माइनस फर्स्ट, यहाँ से यही चीज आपको पता रहनी चाहिए। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर पहली चीज आप किलोग्राम ले रहे हो, दूसरी चीज भी किलोग्राम में होगी, तो मिक्सर भी आपका किलोग्राम में ही होगा। क्लियर है क्या मेरी बात आपको? अगर यहाँ आप सीपी कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हो, यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ गए मेरी बात? एक और चीज, जैसे ही आप मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम, अगर आप इसमें मिक्सर लगा देते हो तो आपको हमेशा रिवर्स रेशियो मिलेगा, दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। वो अपन क्वेश्चंस पे देखेंगे भी किस तरीके से बात की जानी चाहिए। तो मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा कि यू विल ऑलवेज गेट रिवर्स रेशियो, रिवर्स रेशियो आपको हमेशा जो रेशियो मिलेगा वो रिवर्स रेशियो मिलेगा, और ये आपको क्वेश्चंस में भी पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन को किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। अपन एवरेज के क्वेश्चन भी मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात आपको, ठीक है। चलें भाई आगे, अब देखिए टाइप वन अपन पढ़ेंगे और उसका पहला क्वेश्चन। ये चैप्टर अपन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो टाइप वन पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझे क्या कहना चाह रहा है। ये जो सवाल है पहला और दूसरा, एक ही सवाल को दो डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। कैसे पूछा गया, मैं दोनों करवाऊंगा आपको, ठीक है। बोला लड़कियों का औसत वजन, एक विद्यालय में लड़कियों का औसत वजन 15 किलो तथा लड़कों का औसत वजन 30 किलो है, लड़के तथा लड़कियां दोनों का औसत वजन आपका 25 किलो दिया गया है, यदि लड़कों की संख्या 12 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, यह आपसे पूछा गया। कैसे करना है देखिए, सभी बोला गया कि आपकी जो गर्ल्स का रेशियो है, गर्ल्स का औसत वजन इधर बॉयज का, ठीक है। बोला गया गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 15 केजी है और बॉयज का एवरेज वेट 30 केजी है, ठीक है। तो यहां से इसमें कहा लड़के तथा तो लड़कियां दोनों का औसत वजन 25 किलो, तो आप कहेंगे दोनों का मतलब एवरेज और एवरेज मतलब मिक्सर, ये यहां पुट कर दीजिए, क्लियर है मेरी बात सबको। इसमें से ये माइनस करेंगे 30 में से 25 यानी कि 5, इसमें से ये माइनस करेंगे यानी कि 10, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 5:10। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आ गया, 1:2। ये जैसे ही आपने केजी में लगाया, मैंने लिखाया था यू विल ऑलवेज गेट अ रिवर्स रेशियो, तो रिवर्स रेशियो जैसे ही आपको मिला इसका मतलब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो मिल गया, और बोला गया है कि लड़कियों की संख्या 12 है, इसका मतलब गर्ल्स कितनी है भाई, आप ही देखेंगे क्या बोलो, लड़कों के अच्छे से लड़कों की संख्या 12 है, तो आपने कहा सर बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज आपको 12 दिए गए, इसका मतलब ये कितना गुना, 6 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 6,
क्लियर है बात एवरेज के क्वेश्चन के मिक्सर एंड एलिगेशन से किया है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर टू। इसी सवाल को डिफरेंट तरीके से पूछा गया, देखिए किस तरीके से, मैं बताता हूँ आप। पूछा गया आपने कि लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 1:2 है, लड़कों की औसत वजन 30 किलो है, लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन 25 किलो है, तो लड़कियों का औसत वजन निकालिए। तो बिल्कुल ऐसा पूछा गया कि इनका क्या दिया गया, 1:2, ठीक है भाई, दोनों का औसत वजन दिया गया 25 किलो। यहाँ आपकी गर्ल्स और यहाँ आपकी बॉयज, इनका दिया गया है 30 किलो। इनका मतलब इनका डिफरेंस जब आप करेंगे तो ये कितना जाएगा, 5 किलो, 5 kg। ये इसका कितना गुना है भाई, 5 गुना। दैट मीन्स इसको भी कितना गुना होना पड़ेगा, 5। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, सॉरी kg नहीं, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा। ये यहाँ से आपने देखा कि सर ये 10 आ गया, और आप जानते हैं कि 10 कब आएगा, 25 में से कितना घटे, तो आप कह रहे हो सर 15 घटे। इसका मतलब गर्ल्स का एवरेज वेट कितना आ गया, 15 kg। क्लियर है क्या बात सबको। ये दो तरीके से आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया सवाल। अगला सवाल देखिए नंबर 3। ये नंबर 2 था आपका, ठीक है, नंबर 3 अपन देखेंगे अब आगे। बस आप जैसा जैसा मैंने बताया वैसा अप्लाई करते चलिए, आपको आंसर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा। एक उद्योग के कुल कर्मचारियों की औसत आय 600 रुपये, एक आपकी इंडस्ट्री है उसमें जो एम्प्लॉयज है टोटल उनका एवरेज इनकम दे रखी है 600, 120 अधिकारियों की औसत आय 4000 रुपये आपको दी हुई है, 120 ऑफिसर्स है उनकी एवरेज इनकम दी गई है ₹4000, तथा जो रिमेन आपके जो बचे हुए आप कर्मचारी है उनकी औसत आय 560 रुपये दी गई है। तो उद्योग में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछिए, देखिए कैसे करेंगे। मैंने सबसे पहले इसने कहा कि कुल कर्मचारियों की औसत आय, तो आप बोलेंगे सर कुल कर्मचारियों की औसत आय दी गई 600 रुपये, ठीक है। इधर आपके ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स की आपको दे रखी 4000, इधर आपके रेस्ट एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स के अलावा जो एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज तो ऑफिसर्स भी है लेकिन ऑफिसर्स के अलावा जो एम्प्लॉयज है उनकी है 560। दैट मीन्स इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 3400, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 40, 1 0 से 1 0, 4 का भाग दे देंगे, 4 8 32, 4 5 20, 85:1। इसका मतलब ये जो मिला है रिवर्स रेशियो मिला है, आपने रुपीज में लगाया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल गया, इसका मतलब टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 86। यहाँ वो ऑफिसर्स आपको दिए गए 120, इसका मतलब एक की वैल्यू दी गई 120, तो 120 टाइम्स है, तो दैट मीन्स ये भी 120 टाइम्स हो जाएगा, तो 0 12 × 6 72, 7 12 96, 7 103, 10320 टोटल आपके एम्प्लॉयज। क्लियर है बात आपको। इस तरीके से अपन को सवाल को बस पढ़ना है, देखना है कि आपको कहीं पे भी ये दिख जाए, एवरेज दिख जाए या मीन दिख जाए, माध्य दिख जाए, बस आप ये लगा देना। नंबर 4 पे चर्चा कर लेते हैं, नंबर 4 क्या कहता देखिए। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, बेसिक लेवल से अपन पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जितना भी मिक्सर एलिगेशन में आपको लेवल पूछा जाता है सारे लेवल अपन टच करेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से और सलीके से और तरीके से इसको पढ़ना है। सलीका मतलब क्या होता है भाई, सरलता और तरीका दोनों को मिला दिया जाए तो सलीका, ठीक है। चलिए, 60 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति kg बेचने पर 10% का लाभ हो। आप ध्यान दें सभी, जब आप बात कर रहे हो कि पहली चाय है आपकी 60 रुपये प्रति किलो, ठीक है, और जो सेकंड आपकी चाय है वो है आपकी 65 रुपीज प्रति kg। ये आपको दिया गया मिश्रण है, आपको कई के बच्चे क्या करते हैं 68.20 ही आपका मिश्रण ले लेते, 68.20 मिश्रण ले लेते, वो मिश्रण नहीं है भाई, ये आपका CP है जिस पर खरीदा जा रहा है, और 68.20 वो SP है, 68.20 रुपीज पर kg क्या है, SP। यहाँ CP, यहाँ CP, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, CP SP नहीं रख सकते, इसका मतलब सबसे पहले SP, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स 1/10, इसका मतलब CP और SP का रेशियो, ये अपन प्रॉफिट लॉस में पढ़ चुके हैं। CP की बात करेंगे, CP नीचे वाली रियल वैल्यू, इसका मतलब ये 10 है तो ये कितना 11, इसका मतलब अपन ने कहा सर 11 की वैल्यू दे रखी है 68.20,
तो मल्टीप्लाई आपने किया 11 गुना 6 66 और उसके बाद 11 दुना 22 और इसका हम लोग 6.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 62। अब आ गया आपके पास सीपी, आप रख दीजिए यहाँ, ये आ गया 62 रुपीज़ पर केजी, ये सीपी आ गया, लगा दीजिए, अनुपात मिल जाएगा 65 में से 62 गया तो 3 और 62 में से 60 गया तो 2। यही वो रेशियो है जिसमें आपको इनको मिलाना पड़ेगा। क्लियर है क्या मेरी बात सबको? बस यही करना है इस सवाल में, बस चलते जाना है आगे। ठीक है भाई, अब आगे देखिए अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। नंबर 5, नंबर 5 आपसे क्या कहने जा रहा है देखिए भाई। नंबर 5 आपसे कहना चाह रहा है कि शुद्ध दूध की कीमत 108 रुपए पर लीटर है, प्योर आपका जो मिल्क है उसकी रेट क्या है 108 रुपीज पर लीटर। यदि 16 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो मिश्रण की कीमत 90 रुपए पर लीटर हो जाती है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से समझिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मिल्क है यहाँ पे और यहाँ पे आपका वाटर है। अब मिला रहा है इसका मतलब मिल्क की जो प्राइस है वो 108 रुपीज पर लीटर ये दिया गया, वाटर आपको मिक्सर दिया गया 90 रुपीज पर लीटर। मिश्रण को बेच रहा है, बोला ना मिश्रण को इस कीमत पे, मिश्रण की कीमत इतनी हो जाती है जब मिला दिया जाता है, बेच नहीं रहा। अब आप ही देखिए भाई, पानी तो दूध वाला कहीं रुक के भर लेता है, ये आप भी जानते हैं, ये तो फ्री में आता है ना, इसका मतलब इसकी प्राइस क्या लोगे आप 0 रुपीज पर लीटर। पानी तो कहीं से भर सकते हैं ना, तो 0 में से अगर 90 करेंगे माइनस तो माइनस का 90 रेशियो, 90 में से अगर ये चला गया तो माइनस का 18। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 5:1 आ गया। कि यहाँ पे देखिए आप वाटर की बात कर रहा है, जैसे आपने रुपीज में लगाया इधर क्वांटिटी का रेशियो आ गया और क्वांटिटी इसकी दी हुई है 16 लीटर, यानी कि कितना गुना है 16, तो ये भी कितना 16, 16×5=80 लीटर आपका क्या आ जाएगा भाई मिल्क। ये आपका मिक्सर एलिगेशन है भाई, बस लगाते चलो आंसर पाते रहो। क्लियर है बात सबको? आगे चले अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 6। नंबर 6 देखिए, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है, लड़कों की औसत अंक A+2 है तथा कक्षा का औसत अंक A है, तो लड़कियों का औसत अंक ज्ञात करें। देखो भाई यहां पे आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया, देखो बॉयज और गर्ल्स, ये बॉयज है यहाँ पे और ये गर्ल्स, ठीक है। बॉयज का आपको जो दिया गया औसत अंक वो दिया गया A+2, गर्ल्स का मान लो आपको निकालना है तो वो कितना हो गया X और टोटल सबका दिया हुआ A, और आपको पता है जैसे ही आप मार्क्स में लगाएंगे आपको रिवर्स रेशियो मिलेगा, और रिवर्स रेशियो मिलेगा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 3:1। क्लियर है, ये दिया गया है, बस कैलकुलेट कर देंगे। आपने कहा सर यहाँ की बात करेंगे, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चीज है, अगर मैं थोड़ा थोड़ा मिटाऊं तो ये जो चीज है ये X-A है क्या, और ये चीज क्या है A-A-, ये +2 कर दो, माइनस कर दोगे ना, इसका मतलब यहाँ से X-A डिवाइड में A-A-2 इक्वल्स टू 3/1, इससे ये कट गया। X-A बराबर माइनस का कितना आ गया 6, X बराबर आ गया A-6, यही आपको निकालना था। X की वैल्यू तो आपको चाहिए ना, किसका, गर्ल्स का ही चाहिए, ये आ गया कितना A-6, यही आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, आगे चले अगला सवाल देखिए। अगला सवाल Type 1 का नंबर 7 क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है फिलहाल, आगे धीरे धीरे देखो सब बढ़ते चले जाएंगे, सब मिलेगा। चलिए भाई नंबर 7 देखिए, रवि 25 किलो चावल 16.5 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदता है तथा 35 किलो 22.5 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदता है, ठीक है, तो अनुमानित कितने रुपये पर केजी के हिसाब से उसे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब आप ये देखिए कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अपन ने, अब कई बच्चे ऐसे हैं कि वो ठंड नहीं रखते हैं, ठंड मतलब कि ये नहीं सोचते कि उसमें जब परसेंटेज पढ़ाया गया था तब ये सवाल कराया गया था, सर कोई और तरीका बताओ, ये तो हमें आता है, तो और तरीके के लिए वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, सिलेक्शन के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, तो बस वो सवाल आ गया जिसका आपको इंतजार था बरसों से। देखिए किस तरीके से अपन को सीखना है, ठीक है। चले भाई देखो, सबसे पहले अगर मैंने कहा, इसने बोला कितने 25 किलो 16.5 और 35 किलो 22, तो जो मैंने उस टाइम तरीका बताया था वो ये बताया था कि खरीदे मतलब टोटल सीपी,
टोटल सीपी इसने 25 किलो खरीदे, 16 मतलब मैं 33/2 कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस इसके बाद इसने 35 किलो खरीदे, वो 22.5, मैं 45/2 कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे 1/2 तो आ जाएगा बाहर, इसको इससे गुणा करेंगे अपन तो 25 तिया 75 और 7 82 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 45 5 कितना होता है 225, 5 22 45 तिया 135 और 22 कितना हो जाएगा 135 और 20 155 और यहाँ से 155 और फिर उसके बाद में कितना जुड़ जाएगा भाई, यह आ जाएगा आपका 800, ये 1775 यह आ जाएगा, ठीक है, 1775 आ गया, ये कितना हो गया अभी 1575 आ जाएगा, 1575 हो गया, 825 ये हो गया, इसका मतलब सर ये देखो 25 जोड़े 16 2400 1200 रुपये टोटल सीपी कितना आ गया 1200 रुपये। अब ये कहना चाह रहा है सीपी पर केजी निकाल दो, सीपी पर केजी निकाल दो, तो आप ये कहेंगे सर 1200 रुपये में खरीदा कितने 25 और प्लस में कितना 35, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 रुपये पर केजी के भाव से इसने क्या कर दिए खरीद लिए। अब अपन को बेचना है 25% लाभ होना चाहिए, 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, ये आप सभी जानते हैं, दैट मीन्स ये आपका सीपी है और ये क्या आपका प्रॉफिट, तो सीपी रेशियो एसपी ये हो जाएगा 4 और 5, इसकी वैल्यू दी गई आपको कितनी भाई 20 रुपीज पर केजी, तो इसको भी कितना गुना, ये 5 गुना है तो ये भी कितना गुना 5 गुना, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 25 रुपये पर केजी। ये तो वो तरीका है जब मैंने बताया था, अब इसी सवाल को अपन मिक्सर एंड एलिगेशन से कैसे करने वाले हैं वो आपको सीखना है और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है भाई, देख लेना उतार लेना, आगे चलते हैं अब इसी सवाल को सेकंड मेथड इसको कैसे अप्लाई करेंगे एलिगेशन से, देखिए सभी भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये पहले प्रकार का है ये दूसरे प्रकार का है, इसका मतलब यहां पे इसकी रेट जो है वो है 1650 रुपये पर केजी और यहां पे ये कितना है 22.5 रुपये पर केजी, ठीक है, ये दे रखिए। मिक्सर की रेट अभी तक आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइस के अंदर रेशियो लगा देंगे या एलिगेशन लगा देंगे सॉरी, तो आपको किसका मिल जाएगा भाई क्वांटिटी का, और क्वांटिटी आपको दी हुई है ये 25 किलो है और ये 35 किलो है, क्लियर मेरी बात, इनको जब आपने काटा तो ये बना 5:7 कितना 7, क्लियर है क्या, यहां मैंने कह दिया एम, इसकी रेट अगर अपन को मिल जाए तो काम हो जाएगा, इसका मतलब अगर मैं लगाना चाहूं, देखो दो तरीके से समझाऊंगा, पहला तरीका ये जो मैं आपको बता चुका हूं कि 22.5 में से एम माइनस कर दीजिए और एम में से 16.5 माइनस कर दीजिए, बराबर 5/7 कर दीजिए, यहां से एम की वैल्यू आएगी कितनी 20 रुपये पर केजी, इसका मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 1/4, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 4:5, ये 20 आ गया, इसका मतलब 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होके कितना हो जाएगा 25 रुपये पर केजी, ये आपको दिया गया है, ये समझदारी से काम ले। अब इसी को अपन को कैसे करना है, अगर और भी शॉर्ट करना है तो ये ज्यादा जरूरी है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ऐसा तो आप कर ही देंगे, देखो ये तरीका भी आपको आना चाहिए क्योंकि फंस जाते हैं कभी कभी। अब देखिए बात, जैसे ही आपने इन दोनों का डिफरेंस किया, किन दोनों का, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस कर देंगे तो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो कितना आ रहा है भाई 6, कितना आ रहा है देखो 22 में 16 जाएगा तो 6, अगर इसका जो डिफरेंस है इसका मतलब यहां लिख लीजिए इसको डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 6, इस डिफरेंस को बांटा गया है 5:7 में, किसमें 5:7 में, इसका मतलब टोटल कितना है 12, ये 12 जो है तो ये 6 कैसे आएगा सर, इसका आधा कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए आधा, इसका मतलब सर इसका भी आधा कर दीजिए 5/2, इसका भी आधा कर दीजिए 7/2, क्लियर, तो दैट मीन्स आप यही आधा कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, सब समझ में आ जाएगी अभी बात। तो आपने कहा सर इसका अगर 1/2 करेंगे तो यह आ जाएगा 2.5 और अगर इसका आधा करोगे तो यह आ जाएगा 3.5। अब ध्यान से देखे भाई साहब 22.5 में से एम क्या घटाओ कि 2.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, तो आपने कहा सर सो सिंपल कितना घटा दीजिए 20, कितना घटा दीजिए 20 रुपये पर केजी, ये 20 आ गया और आपको 25% का क्या कराना प्रॉफिट, दैट मीन्स 1/4, वही 4 से 5 करवाएंगे, ये 20 आ गया आपका 5 गुना, इसको भी 5 गुना कर देंगे, ये 25 रुपये पर केजी।
जैसी आपकी इच्छा है समझे, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे जाके सवालों में काम आने वाला है। इसलिए इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को इस रेशियो में बांट दीजिए। जितना टाइम सो रखा उतना कर दिया अपन ने। आपने कहा सर 22.5, अब देखो 20 में से 16.5 चले गए तो 3.5 ही बचे, तो आपको ये मिक्सर की रेट मिल गई 20 रुपीज पर केजी। दैट मीन्स आप कह सकते हैं 6 को बांट दिए इस तरीके से, और आपको 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा, 25 रुपये पर केजी। क्लियर है क्या? तो जो बच्चे कह रहे थे कि सर दूसरे तरीके से, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि किस रेट से बेचना पड़ेगा। तो उस सवाल को जाके इस तरीके से वापस कर लेना, हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब यहाँ से अपन देखेंगे कि आपका टाइप वन हो चुका है, कल अपन लेके आएंगे कि टाइप टू के सवाल किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो मिक्सर एंड एलिगेशन को ध्यान से पढ़े। मैंने आपको पहले कह दिया 3 चैप्टर अर्थमेटिक की जान है कौन कौन सी। आपका मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, परसेंटेज में करवा चुका हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करवा चुका हूँ, बस इन तीनों चैप्टरों को आप कर लीजिए। हाँ, कमेंट आए हैं मुझे पता है, एक सवाल जो कोयले के वाला अपना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे छोड़ा हुआ है उसका आंसर आपको दिया जाएगा। मैं पता है मुझे कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर उसका आंसर, वो मुझे पता है, आपको आंसर मैं बता चुका हूँ। 300 kg निकालना है, उस सवाल को थोड़ा सोचे समझे करें, वो मैं करवा दूंगा। अभी फिलहाल मिक्सर एंड एलिगेशन भी ध्यान, मिक्सर एलिगेशन जब एंड करेंगे ना तब उस सवाल का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अनडाउटेडली। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू वेरी मच।